तो बच्चों आज फिजिक्स में अनसॉल्व पेपर से एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अनसॉल्व पेपर से ही हम क्वेश्चन को छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सन 2020 में आ चुका है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया है बच्चों, तो ज़रा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, किरण आवेग खींचकर प्रतिबिंब का वर्णन समझाइए तथा आवर्तन क्षमता के लिए सूत्र का निर्माण कीजिए। तो बच्चों हमने इसका डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और हम यहाँ पर जो भी थ्योरी होगी इसकी जो भी डेफिनेशन होगी प्रतिबिंब का बनना या इसका रचना समायोजन सब बोल देंगे एक मौखिक रूप से, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा उसको नोट करिएगा और जितनी भी कैलकुलेशन होगी हम उसे सब वर्ड पे लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा देंगे खगोलीय दूरदर्शी, हेडिंग आपकी पहली रहेगी खगोलीय दूरदर्शी। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना है ध्यान से सुनना। देखिए खगोलीय दूरदर्शी बच्चों एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम बहुत दूर स्थित पिंडों जैसे चंद्रमा तारों आदि को देखते हैं। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम बहुत दूर स्थित पिंडों जैसे चंद्रमा तारे आदि को देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे, अगली हेडिंग क्या लगाएंगे संरचना। ठीक बच्चों, आपकी सेकंड हेडिंग रहेगी संरचना। तो संरचना में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम शो किया है, ये संरचना के लिए डायग्राम बना दिया है, क्या लिखेंगे कि इसमें एक बेलनाकार नली होती है, इसमें एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अभिदर्शक लेंस होता है, और बच्चों ये अभिदर्शक लेंस हमेशा वस्तु की ओर होता है, जिस साइड वस्तु होती है उसी साइड ये अभिदर्शक लेंस होता है। ठीक, इस चौड़ी बेलनाकार नली में एक पतली संकृत नली होती है, चाहे संकृत कह लो या पतली कह लो, एक संकृत नली होती है जिसके दूसरे सिरे पर का नाम एक नेत्रिका लेंस लगा होता है। बच्चों इसमें दंतुदंड चक्र की व्यवस्था भी होती है और इसमें एक क्रॉस तार होता है। ठीक, जैसा जैसा हम बता रहे हैं फिर से आप सुन लेना, ये चीज जो हम बोल रहे हैं ये संरचना के अंतर्गत लिखी जाएगी। ठीक, आप क्या लिखना संरचना में, इसमें एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अभिदर्शक लेंस होता है, चौड़ी बेलनाकार नली के दूसरे सिरे पर एक पतली या संकृत नली होती है जिसके दूसरे सिरे पर एक नेत्रिका लेंस लगा होता है जो हमेशा आंख की तरफ होता है और ये हमेशा वस्तु की तरफ होता है। ठीक, इसमें दंतुदंड चक्र व्यवस्था भी होती है तथा इसमें क्रॉस तार होता है। ठीक, इस चीज को आपको लिख देना है संरचना में जो हमने आपको बताया, अपनी भाषा में लिखना हमने आपको बता दिया। अब तीसरे नंबर पे आप लोग हेडिंग लगाएंगे समायोजन, कौन सी बच्चों हेडिंग लगाएंगे समायोजन, इसको भी जरा सुनना ध्यान से। समायोजन में क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि नेत्रिका को, इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसका कर ये दंतुदंड चक्र जो है इसकी सहायता से हमने जैसे इसे पकड़ लिया और इस टाइप से हमने इसे आगे पीछे खिसकाया, जैसे समझो ये सूक्ष्मदर्शी है सॉरी खगोलीय दूरदर्शी है और हमें किसी चीज को देखना है तो हम क्या करेंगे, ये समझो दंतुदंड चक्र हमने ऊपर इस टाइप से पकड़ा आगे पीछे किया। ठीक, आगे पीछे किया तो हम इसे आगे पीछे करने पर एक ऐसी जगह पर सेट कर देते हैं जहां पर ये क्रॉस तार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। बच्चों से सुनना कि दंतुदंड चक्र व्यवस्था की सहायता से हम नेत्रिका लेंस को कनम इस बेलनाकार चौड़ी नली के अंदर आगे पीछे इस तरीका से खिसकाते हैं या एक ऐसी जगह पर सेट कर देते हैं खिसका करके जहां पर हमें क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो और उस जब हमें क्रॉस तार बच्चों स्पष्ट दिखाई देने लगता है फिर हम क्या करते हैं इस सूक्ष्मदर्शी को उठा करके इसका जो अभिदर्शक लेंस होता है इस अभिदर्शक लेंस को हम उस साइड कर देते हैं जिस साइड वस्तु होती है या यूं कह लें जिस वस्तु को हमें देखना होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस दंतुदंड चक्र व्यवस्था की सहायता से नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसका कर एक ऐसी जगह पर सेट करते हैं जहां पर हमें ये क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगे। ठीक, जब हमें क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगता है तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि अब हमें कोई भी अगर हम वस्तु देखें तो हमें सही दिखाई देगी। ठीक, जब हमें क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगता है फिर हम क्या करते हैं इस खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस को हम उस साइड कर देते हैं या उस तरफ कर देते हैं जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। अगर बच्चों वस्तु को और ज्यादा क्लियरली और ज्यादा स्पष्ट देखना चाहते हैं हम लोग तो आप लोग क्या करना कि लिख देना कि अगर हम वस्तु को और ज्यादा स्पष्ट देखना चाहें
तो हम दंतु दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से नेत्रिका लेंस को, ठीक, नेत्रिका लेंस को और का नाम बेलनाकार चौड़ी नली के अंदर और ज्यादा खिसका देते हैं। इसको हम पकड़ के और ज्यादा अंदर की ओर खिसका देते हैं, ठीक, और इतना खिसकाते हैं कि प्रतिबिंब और क्रॉस तार के बीच लंबन ना रहे, ठीक, इतना खिसका देते हैं, और जिससे कि क्या होता है, हमें फाइनली जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो बच्चों इस चीज को आपको लिखना है समायोजन में। फिर अगली हेडिंग आपको डालना है प्रतिबिंब का बनना। चौथी बच्चों हेडिंग आपको लगाएंगे प्रतिबिंब का बनना, ठीक। इसमें बच्चों क्या लिखेंगे सुनना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब का बनना में क्या लिखा जाएगा कि खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, पहला होता है अदृश्य लेंस, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। अदृश्य लेंस हमेशा वस्तु की ओर होता है और नेत्रिका लेंस हमेशा आंख की ओर होता है। अदृश्य लेंस से वस्तु ये भी बहुत दूर रखी है, वस्तु ये भी से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर है, वस्तु ये भी से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तित होने के बाद, अब मतलब अभिदर्शक लेंस से पार होने के बाद, अभिदर्शक लेंस से अपवर्तित या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु बी' पर काटती हैं। बच्चों कहां पर काटती हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को बिंदु बी' पर काटती हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, बिंदु बी' से मुख्य अक्ष पर लंब बी' ए' डाला, जो वस्तु ए बी का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है, जो कि बच्चों अभिदृश्यक लेंस से द्वितीय फोकस पर बनता है। बच्चों कहां बनता है याद रखना, ये जो प्रतिबिंब है ए डैस बी डैस, ये अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस, कौन सा फोकस, ये द्वितीय फोकस पर बनता है। आगे बच्चों कहानी सुनना, अब नेत्रिका लेंस क्या करता है, नेत्रिका लेंस बच्चों क्या करता है, इस प्रतिबिंब ए डैस बी डैस को अपनी आभासी वस्तु मानता है। आभासी वस्तु का मतलब ये महसूस कर लेता है कि ये वस्तु मेरी है, लेकिन रियल में है नहीं। नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को अपनी आवासीय वस्तु मानता है, और जिसका अंतिम प्रतिबिंब, कौन सा अंतिम प्रतिबिंब बच्चों, ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बना देता है। फिर से बच्चों सुनना जरा ध्यान से, प्रतिबिंब का वर्णन में आप क्या लिखेंगे कि इसमें खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं, पहला अदृश्यक होता है, दूसरा नेत्रिका लेंस होता है। अदृश्यक लेंस हमेशा वस्तु की ओर होता है, नेत्रिका लेंस हमेशा आंख की ओर होता है, ठीक। का नाम जो वस्तु होती है वो अदृश्यक लेंस से काफी दूर रखी है, ठीक। बच्चों वस्तु ए बी से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जो अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस से पार होने के बाद एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं, ठीक। बच्चों फिर हमने क्या किया, बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब बी डैश ए डैश डाला, जो अदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का बनाया गया वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब बच्चों कौन सा, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। इस चीज को आप याद रखना, मतलब जहां पर अभिदृश्यक लेंस का सेकंड फोकस होता है वहीं पर ये इमेज बन जाती है। अब बच्चों आगे कहानी क्या है, नेत्रिका लेंस क्या करता है, इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को अपनी आभासी वस्तु मानता है। कैसी वस्तु मानता है, अपनी आभासी वस्तु मानता है, और नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को अपनी आभासी वस्तु मानकर इसका अंतिम प्रतिबिंब यानी फाइनल प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बना देता है। ये कहानी आपको लिखनी है प्रतिबिंब के बनने में। अब बच्चों आपको लिखना है आवर्तन क्षमता के लिए फार्मूला, क्या लिखेंगे, तो हम इसे मिटा दें बच्चों कागज, ठीक। अब अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे आवर्तन क्षमता। तो बच्चों एक चीज देखना, अगर आवर्तन क्षमता की बात करूं, S=2 अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बनाया गया
बनाया गया दर्शन कुमार। ठीक बच्चों, तो अंतिम प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता को बच्चों एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बच्चों क्या है, बीटा है, बीटा अपान, और वस्तु द्वारा बनाया गया कोण बच्चों क्या है, अल्फा है। ठीक, बीटा अपान अल्फा। बच्चों जी देखना, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल हमने अल्फा माना। क्यों माना बच्चों, क्योंकि ऐसे ही एंगल, जैसे अगर हम ये इस वाली कंडीशन को यहाँ पर शो करें ऐसे कुछ, तो नियम होता है ये, क्यों बच्चों, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसी बच्चों इसीलिए बच्चों अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे चूंकि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दर्शन कोण है जो कि बहुत छोटे हैं, दर्शन कोण है जो कि बहुत छोटे होते हैं, दर्शन कोण याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक, ये कोण बहुत ज्यादा छोटे हैं तो हम इस वजह से लिख देंगे अल्फा, और अल्फा के लमसम हम लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बच्चों होगा लंब बटे आधार, टेन अल्फा क्या होगा लंब बटे आधार बच्चों, तो ये वाला एंगल अल्फा है समझो। ठीक, और इसके सामने ये लंब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें ओ एफ नॉट बी डैश, चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ओ एफ ओ और बी डैश में। ठीक, कौन सा बच्चों ट्रायंगल है, यहां से यहां तक ये, इसमें एंगल बच्चों अल्फा बन रहा है, तो लंब बटे आधार, तो लंब तो हो जाएगा इस वस्तु की ए डैश बी डैश क्या प्रतिबिंब, यही तो समझो लंब है, आधार बच्चों क्या हो जाएगा ओ से लेकर ओ एफ नॉट तक। ठीक बच्चों, तो हम लिख सकते हैं या अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश क्या है एच डैश ओ एफ नॉट बच्चों क्या है द्वितीय कोण का, जैसे लेंस का द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस है तो द्वितीय फोकस तक की दूरी जिसे हम बच्चों एफ नॉट कहते हैं। ठीक, अल्फा की वैल्यू समझो हमने ये फाइंड कर लिया बच्चों, ये बच्चों किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। इसी प्रकार बच्चों अगर हमें एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एफ नॉट या एफ ओ, ठीक, बी डैश ई, बी डैश ई में अगर हम बीटा को देखें तो बीटा लमसम टेन बीटा के बराबर है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो लंब बटे आधार, तो बच्चों अगर ये हमने ये वाला एंगल लिया तो इसके सामने लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, और आधार बच्चों हो जाएगा समझो, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये कर्ण है, ये आधार हो जाएगा ई एफ नॉट, ई एफ नॉट। ठीक बच्चों, तो हम लिख सकते हैं या बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एच डैश अपॉन ई एफ नॉट बच्चों क्या है, ई एफ नॉट क्या है, ध्यान से देखना, नेत्रिका लेंस से, नेत्रिका लेंस ने बच्चों इस ए डैश बी डैश को अपनी आवासीय वस्तु माना है, यानी आवासीय वस्तु तक की दूरी है, दूरी को बच्चों यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और चिन्ह लगाएंगे माइनस बच्चों, क्यों माइनस लगाया, क्योंकि जो प्रतिबिंब है बच्चों का नाम नेत्रिका लेंस के बाईं ओर है, ठीक, या आपतित किरण के अपोजिट है। अब बच्चों हम लिखेंगे इसलिए एन बराबर, हमने अभी क्या लिखा था, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, ठीक, मिटा दें, एम इज इक्वल टू बीटा की जगह पर बच्चों पुट किया जाएगा, जरा ध्यान से देखना, बीटा की जगह पर पुट होगा एच डैश अपॉन माइनस यू ई बटे, अल्फा की जगह पर बच्चों पुट होगा एच डैश अपॉन एफ ओ एफ नॉट। बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऊपर वाला, ऊपर वाली कंडीशन ऐसी में जिम की थी वैसी स्थिति में रहेगी, तो एच डैश अपॉन यू ई इंटू एफ नॉट ऊपर जाएगा, एच डैश
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस, चाहे बच्चों ऐसे एफ ओ भी कह सकते हैं कि माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ठीक बच्चों, ये क्या निकल के आया, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता के लिए सूत्र। तो बच्चों हम यहाँ पर रेटिंग डालेंगे प्रतिबिंब की स्थितियाँ, प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। अगली आप लोग रेटिंग लगा देंगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। ठीक बच्चों, प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ दो होंगी। पहली स्थिति क्या होगी, जरा ध्यान से देखना। पहली स्थिति बच्चों की ये होगी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जो पहली हेडिंग रहेगी कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अच्छा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो याद रखना नेत्रिका लेंस से जो प्रतिबिंब फाइनल प्रतिबिंब जो ए डैस बी डैस है, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब यहां पर अंतिम प्रतिबिंब और जोड़ते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो बच्चों नेत्रिका लेंस से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, यानी b इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगी बच्चों, b इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और वस्तु की दूरी क्या रहेगी, वस्तु की दूरी वही रहेगी बच्चों, ठीक, वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू माइनस u। ठीक बच्चों, अब अगर हम फार्मूला लगाएं, ऊपर से मिटा दें बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक बच्चों, ये वाला सूत्र जो हमने निकाला है साइड में लिख देंगे इसे, ठीक, हमने इसे भी साइड में लिख दिया है। अब देखो बच्चों, यहां पर लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू से। ठीक बच्चों, तो वन अपॉन एफ ही हो जाएगा वन अपॉन बी ई माइनस वन अपॉन यू ई, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए हो रहा है बच्चों, तो वन अपॉन एफ ई यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन ई माइनस लगा दो बच्चों, क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पर वन अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे जीरो आएगा वन अपॉन यू ई, तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन यू ई। ठीक बच्चों, तो यह हम से लिख सकते हैं एफ ई बराबर यू ई, एफ ई बराबर यू ई। तो इसलिए बच्चों आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला क्या निकलेगा, माइनस एफ ओवर एफ ई, यानी बच्चों जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्तन क्षमता रहेगी एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ऐसी स्थिति बच्चों याद रखना जो हमारा नेत्र होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बच्चों जो वस्तु की दूरी होगी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, और जब बच्चों फोकस दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि याद रखना आवर्तन क्षमता जो है बच्चों नेत्रिका का नाम नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बच्चों ये फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्तन क्षमता घटेगी, अगर फोकस दूरी घटेगी आवर्तन क्षमता बढ़ेगी। तो बच्चों जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु बहुत दूर होगी, और बच्चों जब वस्तु बहुत दूर होगी तो याद रखना फोकस दूरी ज्यादा होगी, और जब फोकस दूरी ज्यादा होगी तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आवर्तन क्षमता है बच्चों वो मिनिमम होगी, यानी ऐसी स्थिति में जो हमारी आंख होगी वो का नाम रिलैक्स पोजिशन में होगी, यानी शांत अवस्था में होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे बच्चों मिटा दें, आप लोग यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऐसी स्थिति में वस्तु बहुत दूर होगी, बहुत अधिक दूर होगी, जिससे फोकस दूरी भी अधिक होगी,
अगर भी फोकस दूरी बच्चों अधिक होगी नेत्रिका लेंस की, तो आवर्धन क्षमता फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से आवर्धन क्षमता मिनिमम होगी। इसीलिए बच्चों आवर्धन क्षमता कैसी होगी, न्यूनतम होगी और आंख श्रांत अवस्था में होगी। बच्चों कौन सी श्रांत अवस्था, यानी रिलैक्स पोजीशन, आंख बच्चों श्रांत अवस्था में होगी। ठीक, अगला हमारा पॉइंट रहेगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। बच्चों यहां से देखना जरा, तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो अगला पॉइंट रहेगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। जब बच्चों अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनेगा, तो याद रखना बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी और वस्तु दूरी क्यू बराबर हो जाएगा माइनस का यू। ठीक बच्चों, सूत्र फिर हमारा वही रहेगा, आई पी इज इक्वल टू 1/BE माइनस 1/UP। तो 1/IP इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/D और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इधर आएगा, तो 1/IP प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/UP। अच्छा चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, उससे कोई डाउट नहीं, और चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/IP, अगर हम कॉमन ले बच्चों तो हम इसे लिख देंगे 1+IP/D। कैसे बच्चों हमने लिख दिया, देखना जरा ध्यान से, अगर हम इसका अंदर फिर मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों क्या होगा 1/IP और एफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो IP से IP कैंसिल, फिर हमें 1/DE ही मिलेगा। तो मतलब हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और जो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, जरा ध्यान से देखना, आवर्धन क्षमता का बच्चों सूत्र है m -F0 वोल्टेज या FO वोल्टेज UE। बच्चों इसे हम अगर ऐसे लिख दें माइनस, कोई दिक्कत नहीं, और 1/UE की वैल्यू इतनी है, तो इस वैल्यू को उठा करके अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों FO/FE 1+FE/D। ठीक बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का बच्चों फॉर्मूला ये निकल के आएगा। तो बच्चों इससे स्पष्ट होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनेगा तो वस्तु की दूरी बहुत कम होगी, जिससे कि फोकस दूरी भी कम होगी और जिसके फलस्वरूप आवर्धन क्षमता का मान ज्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में बच्चों जो आंख होगी वो हमारी तनाव की स्थिति में होगी। तो जो हम इसे लिखते रहे हैं कि इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब वस्तु दूरी कम होगी, इसलिए फोकस दूरी भी कम होगी। ठीक, और आवर्धन क्षमता अधिकतम होगी। ठीक, तथा आंख तनाव की स्थिति में होगी। बच्चों ठीक बच्चों, तो जो इस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
इसे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और बच्चों आपको बता दें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।